हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन सभी के लिए नहीं है कॉमन। कई लोग मार्केट से जिंजर गार्लिक पेस्ट खरीदते हैं, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि हम घर पर ही बड़ी आसानी से जिंजर गार्लिक पेस्ट कैसे बना सकते हैं, कैसे हम इसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ गार्लिक क्लोव्स ली हैं, इनको मैंने ये देखिए साफ़ बिल्कुल छिलका साफ़ कर लिया। छिलका साफ़ करने में कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो मैं बता दूं कि पहले आप गार्लिक को थोड़ी देर पानी में भिगो दें और आसानी से छुरी से फिर इसका ये छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। साथ ही में मैंने यहाँ जिंजर लिया है, करीब 250 ग्राम मैंने गार्लिक क्लोव्स ली हैं और 50 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर जिंजर लिया है और इसे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो अब मैं इन्हें एक ग्राइंडर में डाल करके इनको पेस्ट बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक जार ले लिया है और इसमें मैं सभी गार्लिक क्लोव्स डाल दूँगी। बहुत आसान है इनको छीलना, बस पानी में थोड़ा सा आपको भिगोना होगा और साथ साथ आप छीलते जाएं, बड़ी आसानी से छिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। और यहीं पर हम डाल देंगे जिंजर और इसी तरह सारा ही डाल दूंगी मैं, थोड़ा पानी। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल करके इसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट बहुत ही अच्छा सा तैयार हो गया है। ये देखिए, बहुत आसानी से और बड़े आराम से आप घर पर इसे बना सकते हैं और बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि बाज़ार से आप लेकर आएँ। और इसमें ये आप आराम से किसी मर्तबान में, किसी जार में रख कर के इसे फ्रिज में रखें और आप 10 से 15 दिन आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है, आप इसे फ्रिज में रखें, इस बात का ख्याल रखें, बाहर रखने पर ये ख़राब हो ही जाएगा। तो आप फ्रिज में रखें और इसको इस्तेमाल करें, इंजॉय करें और आप जो है इसे घर पर बनाइए। और बहुत सारी डिशेस में ये आप इस्तेमाल करते हैं, मैं तो सभी डिशेस में इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं इसे किसी जार में डाल दूँगी और इसे हम 10 से 15 दिन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए और मुझे भी बताइए कि आप इस तरह से पेस्ट बनाकर कितने राहत और सुकून पा रहे हैं। तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।